नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारतीय साहित्य में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि। इससे पहले आप भारतीय साहित्य को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों, ये बीए के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो चलिए बिना समय वेस्ट किए इसकी शुरुआत करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी समीक्षा के केंद्रीय पुरुष हैं, जिनकी समीक्षा पद्धति कई दृष्टियों से संलिष्ट है। उन्होंने व्यवहारिक व सैद्धांतिक दोनों समीक्षाओं पर बल दिया। जैसे कि उन्होंने व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों समीक्षाओं पर बल दिया उन्होंने, तो इनकी बात करते हैं इनकी सैद्धांतिक समीक्षा पर। शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि जिस विधि पर आधारित है उसे तार्किक विश्लेषणात्मक और निगमनात्मक विधि कहा जाता है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी साहित्यकार तेन के प्रत्यक्षवाद अथवा विधेयवाद का स्पष्ट प्रभाव उनकी समीक्षा पद्धति पर है। इसमें किसी रचना का मूल्यांकन जैसे जाति, वातावरण, क्षण तीनों आधारों पर किया जाता है। शुक्ल जी की सैद्धांतिक समीक्षा में रसवाद तथा मंगलवाद दोनों साथ साथ उपस्थित है। उन्होंने रसवाद की नई दृष्टि से व्याख्या अपने पुस्तक रस मीमांसा में किया और कहा कि हृदय में लोक हृदय के लीन होने की दशा ही रस दशा है। पारंपरिक रसवाद में आई संकीर्णता को आचार्य शुक्ल ने पुनः लोक मंगलवाद से जोड़ा। इसके अतिरिक्त उन्होंने रस विवेचन के सिद्धांत में साधारणीकरण को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया। साधारणीकरण की व्याख्या में उन्होंने रसात्मकता की मध्यम कोटि का भी जिक्र किया, जो इस बात की व्याख्या करती है कि कभी कभी नायक के विरोधी पक्ष के प्रति सहानुभूति क्यों उत्पन्न होने लगती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सैद्धांतिक समीक्षा की निम्न प्रतिमान निर्धारित किए जा सकते हैं। उन्होंने कविता को भाव योग माना तथा उसे ज्ञान योग और कर्म योग के समकक्ष रखा। दूसरा, कविता या साहित्य का प्रयोजन व्यक्ति की संकीर्ण भावनाओं को समष्टि की भावनाओं में लीन करना है। तीसरा, प्रबंध काव्य का महत्व मुक्तक काव्य से अधिक है, क्योंकि रस योजना और रोग मंगल की दृष्टि से प्रबंध में विस्तृत संभावनाएं होती हैं। चौथा, उन्होंने कविता में बिंबों को पर्याप्त महत्व दिया और कहा कि कविता में अर्थ ग्रहण ही पर्याप्त नहीं होता, बिंब ग्रहण भी होना चाहिए। पाँचवा, उन्होंने कविता में स्पष्टता को महत्व देते हुए प्रतीकवाद तथा रहस्यवाद को खारिज किया। सठा, अलंकारों के सीमित प्रयोग को वांछनीय मानते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कुरूप स्त्री आभूषणों को पहन लेने पर सुंदर नहीं हो जाती, उसी प्रकार अलंकारों के प्रयोग से सौंदर्य उत्पन्न नहीं होगा। सातवा, उन्होंने माना कि कविता में नाद सौंदर्य होना चाहिए, पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग से कवि को बचना चाहिए क्योंकि इससे अप्रतीत दोष उत्पन्न होता है। आठवा, काव्य की दृष्टि से उन्होंने लोक मंगल की साधना अवस्था की प्रस्तुति की और अधिक ध्यान दिया। नौवा, गद्य के संबंध में उन्होंने कहा कि गद्य यदि रचनाकार की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, इसमें भी वैचारिक निबंधों को वरीयता देते हैं। बात करते हैं इनकी व्यवहारिक आलोचना के बारे में। आचार्य शुक्ल की व्यवहारिक आलोचना जिन ग्रंथों के माध्यम से व्यक्त हुई है उनमें जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत, तुलसीदास और हिंदी साहित्य का इतिहास उनके व्यवहारिक आलोचना की प्रमुख मान्यताएं निम्नलिखित हैं। पहला हो गया, शुक्ल जी ने सिद्धनाथ साहित्य को साहित्य के क्षेत्र से बाहर निकाल दिया क्योंकि उनकी दृष्टि में उनमें सांप्रदायिक मान्यताओं का प्रचार मात्र था, न कि साहित्यिक रचनात्मक अनुभूति। विद्यापति की समीक्षा करते हुए उन्होंने श्रृंगार और अध्यात्म में विद्यापति की समीक्षा करते हुए उन्होंने श्रृंगार और अध्यात्म के मिश्रण की ओर कठोर आलोचना की। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर कुछ आलोचकों ने विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक संकेत बनाया है, वैसे ही जयदेव के पदों को भी। तीसरा है, प्रत्यक्षवादी दृष्टि से उन्होंने भक्ति आंदोलन के उद्भव की समीक्षा की तथा भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से उत्पन्न हताशा का परिणाम बताया। चौथा, उन्होंने भक्ति काल के चारों प्रमुख कवियों पर लिखा, वे तुलसी की साहित्यिक रचनाशीलता को सर्वोच्च महत्व देते हैं, जायसी के सर्ववादी रहस्यवाद की प्रशंसा करते हैं, वे सूर के भाव प्रेरित वक्रता की भी सराहना करते हैं तथा कबीर के साहित्यिक महत्व को स्वीकार करते हुए भी उनकी काव्यात्मक क्षमता पर प्रश्नचिन्ह लगा देते हैं। पाँचवा, रीतिकालीन कवियों में उन्होंने केशव के उक्ति वैचित्र्य तथा बिहारी के जीवन दृष्टि की आलोचना की तथा गंगानंद की संवेदना क्षमता और भाषा की प्रशंसा की। छठा, आधुनिक काल में वे भारतेंदु मंडल के साहित्यिक सामाजिक योगदान के प्रशंसक हैं, द्विवेदी युगीन काव्यधारा उन्हें अत्यंत प्रिय है। महावीर प्रसाद द्विवेदी स्थापित भाषाई अनुशासन की उन्होंने प्रशंसा की, परंतु शाहवादी काव्य उनको पूरा प्रतीकवाद और रहस्यवाद नजर आता है। इन सभी विशेषताओं के होते हुए भी शुक्ल जी की आलोचना पद्धति में कुछ कमियां भी हैं। शुक्ल जी प्रबंध को अधिक महत्व देते हैं जिसके कारण वे मुक्तक को यथेष्ट महत्व नहीं दे पाए। इसी कारण सूर तथा कबीर को उतना महत्व नहीं मिल पाया है जितना तुलसी और जायसी को। आचार्य शुक्ल
पारंपरिक अभिजाति संस्कारों से मुक्त नहीं हो पाए थे, अतः कबीर के काव्य में वह महानता नहीं दिखाई दी जो बाद में आचार्य द्विवेदी देख सके थे। चूंकि शुक्ल जी की पद्धति प्रत्यक्षवादी और विदेहवादी है, जिसके कारण वे परंपरा इतिहास और रचनाकार के व्यक्तित्व को यथेष्ट महत्व नहीं दे पाए हैं। कबीर की अखंडता में नाथ पंथ का प्रभाव और भक्ति आंदोलन की परंपरा में पहले से चली आ रही परंपरा को इसी कारण पर्याप्त महत्व नहीं मिल पाया है। रहस्यवाद और प्रतीकात्मकता के प्रति उनका दृष्टिकोण अत्यंत विरोधी रहा, इसी कारण छायावाद जैसा साहित्यिक आंदोलन गलत मूल्यांकन का शिकार हो गया। साहित्य को स्वदेशी और विदेशी में विभाजित करने के कारण जैसे कि प्रेम तथा कबीर के भावात्मक रहस्यवाद को उन्होंने अभारतीय घोषित कर दिया तथा तुलसी को भारतीय प्रेम पद्धति का सच्चा प्रतिनिधि माना, जो औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता। गद्य विधाओं का उन्होंने पर्याप्त महत्व दिया और निबंधों को श्रेष्ठता प्रदान की। अपने समकालीन साहित्य से तो वे प्राय कटे रहे। उन्होंने न तो प्रगतिवाद पर कुछ लिखा और न ही प्रेमचंद के उपन्यासों पर। समग्र रूप से कहा जा सकता है कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी आलोचना के क्षेत्र में वैसा ही क्रांतिकारी परिवर्तन किया जैसा प्रेमचंद ने कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किया था, जयशंकर प्रसाद ने नाटकों के क्षेत्र में। उन्होंने साहित्य को रीतिवादी मानसिकता से मुक्त किया तथा पहली बार सैद्धांतिक और व्यवहारिक समीक्षा का समन्वय भी किया। रस जैसे व्यक्तित्व तत्व को समष्टि से जोड़कर उसके सामाजिक पक्ष को उभारा। उन्होंने समीक्षा में संस्कृत तथा अंग्रेजी की समीक्षा प्रतिमानों का समन्वय किया। यही कारण है कि आज भी वे हिंदी आलोचना के आधार सम माने जाते हैं। दोस्तों, यह था आचार्य रंजन शुक्ल की आलोचना दृष्टि। आपको इसको PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिसको इसकी आवश्यकता आपको शेयर कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद।